गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपने चैप्टर सेकंड ध्वनि वर्ण एवं लेखन व्यवस्था पढ़ेंगे। हर भाषा में दो तरह की ध्वनियाँ होती हैं, स्वर तथा व्यंजन। इन्हीं दोनों तरह की ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। मौखिक भाषा का आधार भाषा की ध्वनियाँ होती हैं। इन्हीं ध्वनियों को जब लिख कर व्यक्त किया जाता है तो जो लिखित चिन्ह होते हैं इन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चारित रूप है। भाषाओं में ध्वनियाँ तो समान होती हैं पर उनके लिए बनाए गए वर्ण अलग अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है, जैसे गै दै स वर्ण, इन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करते हैं तो रोमन लिपि में जो अंग्रेजी की लिपि है, जी गै के लिए जी, दैली और एस के सै के लिए एस वर्ण, इन्हीं ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। जब कभी कभी जब वायु किसी बिना रुकावट या अवरोध के बाहर निकलती है तो कभी बाहर निकलने वाली वायु के रास्ते में जीभ या निचले होंठ द्वारा रुकावट पैदा हो जाती है। अब स्वर तथा व्यंजन क्या है? स्वर वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में मुख से होने वाली निकलने वाली वायु के रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं होती। जीभ ऊपर नीचे तो आती जाती रहती है पर इतना ऊपर नहीं जाती कि वायु का रास्ता अवरुद्ध हो जाए, मतलब रुक जाए, जैसे आ ई ए ओ आदि। अब व्यंजन वे ध्वनियाँ होती हैं जिनके उच्चारण में जीभ या होंठ मुख के विभिन्न स्थानों में वायु के रास्ते में रुकावट या अवरोध पैदा करते हैं। अलग से स्वतंत्र रूप से व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के नहीं किया जाता, जैसे प पा पी पू पे पो आदि तो बोल सकते हैं पर स्वर रहित प अलग से नहीं बोल सकते। अब वर्ण उच्चारित ध्वनियों को लिखित रूप से प्रस्तुत जब किया जाता है, लिपि चिन्हों का जब प्रयोग किया जाता है तो वे वर्ण कहलाते हैं। वर्णमाला सभी स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के वर्णों को जब एक क्रमबद्ध तरीके से एक स्थान पर रख कर दिखाया जाता है तो समस्त वर्णों का वह समूह जो है वर्णमाला कहलाता है। व्यंजनों के साथ जब स्वर को मिलाकर लिखे जाने वाले बनाए गए स्वर वे वर्ण होते हैं, मात्रा चिन्ह कहलाते हैं। अब है महत्वपूर्ण ध्वनियां तथा उनके वर्ण, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार जो है एक नासिकीय व्यंजन है। इसे वर्णमाला में ए के ऊपर बिंदु लगाकर या अंक के ऊपर चंद्र बिंदु लगाकर व्यक्त किया जाता है, जैसे गंगा पंजाब अंडा शांत चंपा पंखा कंचा कटक हिंदी अंबा आदि। अनुनासिक यदि अनुस्वार एक प्रकार की व्यंजन ध्वनि है तो अनुनासिक एक प्रकार की स्वर ध्वनि है। जब भी हम स्वरों का उच्चारण करते हैं वायु केवल मुख के रास्ते से ही बाहर निकलती है, लेकिन स्वरों का उच्चारण करते समय जब वायु मुख के साथ साथ नाक के रास्ते से भी बाहर निकलती है तो वे स्वर अनुनासिक कहलाते हैं। इस तरह हिंदी में स्वरों का उच्चारण दो तरह से किया जाता है, केवल मुख से वायु का बाहर निकलना, मुख के साथ साथ नाक से भी वायु का बाहर निकलना। विसर्ग वर्णमाला में विसर्ग को भी ए के साथ ए के रूप में दिखाया जाता है। वह भी एक व्यंजन ध्वनि है। आगत ध्वनियाँ आगत शब्द का अर्थ होता है आई हुई। अदार्थ वे ध्वनियाँ जो हिंदी में विदेशी भाषाओं के साथ आ गई। हिंदी में अरबी फारसी तुर्की अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के स्थान पर आ जाने के कारण अनेक ऐसी ध्वनियाँ आ गई जो पहले से हिंदी में मौजूद नहीं थी। अब है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? जब दो या दो से अधिक व्यंजन किसी स्वर के साथ मिलकर बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे श्रय त्रय गय श्रय। चार परंपरागत संयुक्त वर्ण हैं, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ संयुक्त व्यंजन हैं, जैसे युक्त चिन्ह द्वारा इत्यादि आदि। जैसे श्रय ये वर्ण के क तथा स व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है। त्रय ये तय तथा र व्यंजन ध्वनियों का संयुक्त रूप है।
ये जय तथा नय व्यंजन ध्वनियों से मिलकर बना है। श्रय, ये शय तथा रय व्यंजन ध्वनियां हैं। तो आज अपने चैप्टर सेकंड ध्वनि वर्ण तथा लेखन व्यवस्था किया है। थैंक यू।